दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और रविंद्र जडेजा को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच बारिश के बाद खेले गए 10 ओवर के मुकाबले में रोहित शर्मा ने मात्र 23 गेंद में जड़ दिए 70 रन, लेकिन फिर भी भारत पहुंच गया हारने की कगार पर। तब सूर्य कुमार यादव और जडेजा ने मिलकर ऐसे पलटा अंतिम ओवर में 4 छक्के जड़कर मैच की देखकर पूरा भारत देश रह गया हैरान। तो दोस्तों, आखिर भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच की पूरी हाईलाइट वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का वार्म अप मुकाबला खेला जा रहा है, और दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के टॉस जीतने के साथ हुई। लेकिन दोस्तों, जैसे ही रोहित शर्मा ने टॉस जीता और बल्लेबाजी के लिए भारतीय टीम मैदान पर उतर रही होती है, उसी दौरान बारिश ने दस्तक दे दी और मुकाबले को लगभग 4.5 घंटे तक रोक देना पड़ा। भारत और इंग्लैंड के दर्शक काफी ज्यादा निराश नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय दर्शक भी काफी ज्यादा चिंतित थे कि अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो मैच तो शुरू हो नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, आखिरकार अंत में जाकर बारिश रुकी और बारिश के बाद एक बार फिर से मुकाबले को शुरू किया गया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, इस बार एम्पायर ने यह फैसला किया कि मैच को बस 10 ओवर का करवाया जाएगा और 10 ओवर के मुकाबले में ही हमें विजेता मिल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने क्योंकि टॉस जीता था, इसलिए उनको ये फैसला चुनने पर दिया गया कि अब वो पहले बल्लेबाजी करेंगे या फिर गेंदबाजी। और दोस्तों, ये तो साफ तौर पर तय था ही, अगर बारिश की कंडीशन हमेशा होती है तो पहले गेंदबाजी ही कप्तान चुनता है। और यहाँ पर रोहित शर्मा ने भी इंग्लैंड की टीम को पहले आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए, और इंग्लैंड की टीम जब 10 ओवर के मुकाबले में बल्लेबाजी के लिए उतरी तो यहाँ पर इंग्लैंड की तरफ से 3 विकेट के नुकसान पर 147 रन का स्कोर देखने के लिए मिला। और इस दौरान भारतीय टीम के सामने लक्ष्य था 148 रन का। हालांकि ये कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि अगर इंग्लैंड की टीम ऐसे बल्लेबाजी कर रही है तो भारतीय टीम का जीतना तो इस मैच में नामुमकिन है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि 60 गेंदों में आखिरकार ऐसी कौन सी टीम होगी जो 148 रन बना दे। लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने पहले ये कारनामा किया, क्योंकि यहाँ उनकी तरफ से जब बल्लेबाजी करने जॉनी बेयरस्टो और डेविड मलान उतरे तो यहाँ पर इन दोनों बल्लेबाजों ने एक सदी हुई शुरुआत अपनी टीम इंग्लैंड को दिलाई। और इस दौरान पहला बड़ा झटका जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड की टीम को डेविड मलान के रूप में दिया, जो कि 53 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं डेविड मलान के आउट हो जाने के बाद मैदान पर उतरे जो रूट, जहां जो रूट और जॉनी बेयरस्टो पारी को आगे बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच मात्र 18 गेंदों में 46 रन बनाकर खेल रहे जॉनी बेयरस्टो का भी विकेट गिर जाता है, जो कि 46 रन बनाकर आउट हुए। और ये दो बड़े झटके लग जाने के बाद जो रूट ने 13 रन की पारी खेली और फिर मैदान पर आए हैरी ब्रुक 0 रन पर ही आउट हो गए, और ये विकेट कुलदीप यादव के नाम रहा। और यहाँ पर फिर अंत में जॉस बटलर ने 33 रन बनाकर अपनी टीम इंग्लैंड को 147 रन के नजदीक पहुंचाया। और इस दौरान भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 2 विकेट जसप्रीत बुमराह के नाम रहे तो 1 विकेट कुलदीप यादव को मिला। लेकिन अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ कर दिखाने की, और भारतीय टीम के आगे ये दबाव था कि उनको 148 रन तो बनाने थे। और यहाँ पर जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर आए तो दोनों बल्लेबाजों ने आते से ही बड़ा शॉट लगा डाला। यहाँ पर रोहित शर्मा ने 2 छक्के जड़कर पहली 2 गेंदों पर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि वो मैदान पर क्या करने के लिए आए हैं। लेकिन दोस्तों, शुभमन गिल ने जब रोहित शर्मा जैसा रुख अपनाया तो उनका विकेट गिर गया और 13 रन पर शुभमन गिल की पारी समाप्त हुई। तो वहीं शुभमन गिल के आउट हो जाने के बाद उतरे विराट कोहली, जहां विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच साझेदारी आगे बढ़ पाती उससे पहले विराट कोहली भी एक गलती कर बैठे और 10 रन पर उनका भी विकेट गिरा। और यहां भारत को अब 2 बड़े झटके लग जाने के बाद दूसरी तरफ रोहित शर्मा कप्तान ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। रोहित शर्मा ने मात्र 38 गेंदों में ही 70 रन बना डाले थे, और यहाँ पर रोहित शर्मा ने इस दौरान 7 चौके और 6 बड़े छक्के भी लगाए। लेकिन यहाँ पर किसी को क्या ही पता था कि अगला विकेट कप्तान रोहित का ही होने वाला है, और रोहित शर्मा को यहाँ मोइन अली ने चलता किया, जिसके चलते भारतीय टीम को ये तीसरा बड़ा झटका लगा और रोहित 17 रन बनाकर ही आउट हुए। अब रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद सूर्य कुमार यादव उतरे और दूसरी तरफ उनका साथ निभाने के लिए रविंद्र जडेजा थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर 3 बड़े झटके भारत को पहले लग चुके थे और एक और झटका यहाँ से अगर भारत को लगता तो टीम इंडिया काफी मुसीबत में आया थी। लेकिन यहाँ पर सूर्य कुमार यादव तो बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यहाँ अपने अर्धशतक के नजदीक पहुंच जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा और अब सूर्य कुमार यादव पर पूरी जिम्मेदारी थी मैच जिताने की। अंतिम 6 गेंदे बची हुई थी और भारत को मैच जीतने के लिए
26 रनों की दरकार थी। पहली गेंद का सामना अंतिम ओवर की रिस्टोपली के सामने करते हैं सूर्य कुमार यादव, जो कि पहली गेंद पर सामने की तरफ छक्का जड़ देते हैं, फिर अगली गेंद पर चौका और तीसरी गेंद पर एक रन भाग लेते हैं और भारत को अब यहां पर 3 गेंद पर 15 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए। चौथी गेंद यॉर्कर लेंथ की डालने के चक्कर में रिस्टोपली ने पूरी फुल टॉस फेंक दी और ये छक्का यहां पर रविंद्र जडेजा को मिल गया। फिर अगली गेंद पर 4 रन जड़कर रविंद्र जडेजा ने भारतीय टीम को जीत के बेहद ही नजदीक पहुंचा दिया था और यहां भारत को अब मैच जीतने के लिए मात्र 5 रन चाहिए थे, वो भी एक गेंद में। जडेजा अगर छक्का जड़ते हैं तो मैच भारत जीत जाता है और यहां पर रविंद्र जडेजा ने चतुराई भरा शॉट लगाते हुए डीप मिड विकेट की तरफ छक्का जड़कर भारतीय टीम को अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर मैच जिताया, जिसके चलते टीम इंडिया मैच को अपने नाम कर पाई। बाकी दोस्तों वार्म अप मुकाबले का यही था पूरा रोमांच। और हालांकि यहां पर भारत के लिए सूर्य कुमार यादव ने 40 रन बनाए तो वहीं रविंद्र जडेजा ने 15 रन की पारी खेली, जिसके चलते भारतीय टीम अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर जीत पाई। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम के ऐसे दमदार प्रदर्शन के बारे में और आप भारतीय टीम को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।